संकट में हिमाचल की सरकार, इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल की राजनीति पर बड़ी खबर ये आपको बता रही, जहां हिमाचल सरकार में फिलहाल संकट देखने को मिल रहा है। बीजेपी के 14 विधायक सदन से सस्पेंड किए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। स्पीकर ने विधायकों को सस्पेंड किया है, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि हिमाचल सरकार एक और संकट में है। तो वहीं आपको बता दें कि हिमाचल की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के 14 विधायक सदन से सस्पेंड किए गए हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर। स्पीकर ने विधायकों को सस्पेंड किया है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल की राजनीति में लगातार सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी के 14 विधायक सदन से सस्पेंड किए गए हैं, विधानसभा स्पीकर ने विधायकों को सस्पेंड किया है। एक तरफ जहां हिमाचल सरकार संकट में है, आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से ही लगातार हिमाचल की सियासत गर्मा गई, और अब जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 14 विधायक सदन से सस्पेंड किए गए हैं। स्पीकर ने विधायकों को सस्पेंड किया है, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी के 14 विधायक सदन से सस्पेंड किए गए हैं, विधानसभा स्पीकर ने विधायकों को सस्पेंड किया है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो हिमाचल की राजनीति से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीते दिन राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से लगातार सियासी पारा हिमाचल का हाई उठ चुका है। पहले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, और फिलहाल बड़ी जानकारी के मुताबिक सदन से 14 बीजेपी विधायकों को सदन से सस्पेंड किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ। विकास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के 14 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ वजह इसके पीछे बताई गई? देखिए, सस्पेंड नहीं किया गया, सबसे पहले तो मैं दुरुस्त कर दूं अपनी जानकारी को कि इनको सस्पेंड नहीं किया गया है, इनको निष्कासित किया गया है। और ऐसे में ये जानकारी शुरुआती दौर में आ रही थी कि कुछ विधायकों को किया गया है, लेकिन उसके बाद अब जानकारी हमारे पास ये है कि 15 ऐसे भाजपा के विधायक हैं जिनको निष्कासित जो है वो यहाँ से किया गया है। फिलहाल सदन की कार्यवाही जो है कुछ समय के लिए स्थगित की गई है, 12 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले भाजपा विधायकों का वेल ऑफ द हाउस में जाकर हंगामा, और हंगामा भी जोरदार हंगामा, सरकार के खिलाफ और स्पीकर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जो है वो विधायक यहाँ पर नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है उनका इस निष्कासन में जो निष्कासित किए गए विधायक हैं उनमें जयराम ठाकुर का नाम है, विपिन सिंह परमार है, विनोद कुमार, जनक राज, दलबीर वर्मा, सुरेंद्र शौरी, इंदर सिंह गांधी, हंसराज, लोकेंद्र कुमार, रणधीर शर्मा, रणवीर सिंह मिश्रा। तो ये नाम है कि जो अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि शोर शराबे के बीच ये सब कुछ हुआ है, फिलहाल हमारे पास अभी यही जानकारी है। अगली जानकारी जो है आपसे कुछ ही देर में फिर से हम जुटाने की जो है वो यहाँ पर कोशिश करेंगे। फिलहाल 12 बजे सदन की कार्यवाही जो है वो दोबारा होगी, आज भी सदन 11 बजे जो है उसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सदन की कार्यवाही में रुकावट जो है वो थोड़ी इसलिए भी आ गई क्योंकि हंगामा जो है वो विपक्ष की तरफ से, विपक्षी विधायकों की तरफ से जो है वो सदन के भीतर किया गया, और मांग इसी बात को लेकर उठाई जा रही है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष की जो बात है वो उसको अनसुना किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो डिवीजन ऑफ वोट है वो यहाँ पर किया जाए, यानी जो कटौती प्रस्ताव है कटौती प्रस्ताव पर भी वोटिंग की मांग यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो बजट है, बजट जो कटौती प्रस्ताव है उस पर मांग की जा रही है वोटिंग की, और इसके अलावा जो और कई ऐसी चीजें हैं जिस तरह से फ्लोर टेस्ट की अगर बात करें तो वो भी सुबह के समय बयान आया जयराम ठाकुर का, उन्होंने कहा कि वही फ्लोर टेस्ट होता है। तो ऐसे में आज अगली परीक्षा जरूर कांग्रेस सरकार की है, सदन के भीतर भी देखना ही होगा कि क्या हंगामा जो है वो इस बाबत और होगा, या फिर अभी थोड़ा और बचने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाएगी, क्या रणनीति यहाँ पर सत्ता पक्ष की रहेगी वो देखना होगा, लेकिन इससे पहले अभी फिलहाल हाउस को जो है वो एडजॉर्न किया गया है। बिल्कुल, और आज का दिन हिमाचल की सियासत में काफी महत्वपूर्ण भी, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन से हम हिमाचल की सियासी हलचल देख रहे हैं, फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे क्या निष्कासन के बाद बीजेपी विधायकों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो, आपकी उनसे बातचीत हो पाई हो? देखिए, वेल ऑफ द हाउस में जो है सारे विधायक बैठे हुए थे, इसी बीच जब सदन की कार्यवाही जो है वो 12 बजे तक के लिए स्पीकर की तरफ से स्थगित सूचित किया गया, उसके बाद भी विपक्षी विधायक जयराम ठाकुर के समेत बहुत देर तक जो है वो वेल ऑफ द हाउस में ही धरने पर बैठ गए, हंगामा करते रहे। इसी बीच जब मार्शल्स को जो है वो स्पीकर ने बुलाया था, उससे पहले ही बुला लिया गया था मार्शल्स को भी, मार्शल्स जो है उन्होंने पूरी तरह से घेरेबंदी जो है विपक्षी विधायकों की हुई थी, उस
इसके बाद काफी हंगामा जो है हुआ और फिलहाल अभी भी जो गैलरी है वहां पर विधायक जो है वो विपक्षी विधायक बैठे हैं। फिलहाल अभी मीडिया से बात तो नहीं की, लेकिन अब तो कुछ ही देर में हम जरूर कोशिश करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष या फिर किसी नेता की जो है या विधायक जो है वो यहाँ पर बात उससे की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, जो आज संकट में हिमाचल सरकार, बीजेपी के 14 विधायकों को निष्कासित किया गया है।